वॉर में क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की ओर से पहली बार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो सप्लाई की बात आ रही थी, ये भी सप्लाई में ही आया है यूक्रेन अमेरिका से। यूक्रेन कर रहा है क्लस्टर बम का इस्तेमाल, अमेरिका से पहुंच चुके हैं क्लस्टर बम, जिसको लेकर नेटो में दो फाड़ था, जिसको लेकर नेटो के कुछ देश तैयार नहीं थे, वो राजी नहीं थे कि यूक्रेन को क्लस्टर बम दिया जाए, क्योंकि वो यूएन की उस समझौते के सिग्नेटरी हैं जिसमें क्लस्टर बम को बैन करने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर अमेरिका ने ये क्लस्टर बम दे दिया और वो यूज भी हो रहा है यूक्रेन की तरफ से। अब देखिए एक और बड़ी खबर, अवदीवका में चूका यूक्रेन का निशाना, रूसी पोजिशन पर क्लस्टर बम से अटैक किया यूक्रेन ने, हमले में बच निकले रूसी सैनिक। देखिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ इस तरह से रूसी सैनिक भागते हुए दिखे, सैनिकों से थोड़ी दूर पर ये क्लस्टर बम गिरे, लेकिन रूसी सैनिक इससे बचकर निकल भागे। एक और बड़ी खबर, क्लस्टर बम पर पुतिन की चेतावनी, क्लस्टर बम का इस्तेमाल का बदला लेंगे, ये कहा है पुतिन ने। रूसी फोर्स भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल करेगी, ये पुतिन ने कहा है। यानी अब दोनों तरफ से क्लस्टर बम का इस्तेमाल जोर शोर से किया जाएगा। पहले जो दबी जुबान में कहा जा रहा था कि शायद रूस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है इस वॉर में, अब अमेरिका ने जो यूक्रेन को क्लस्टर बम दिए वो भी अब पुतिन ने कह दिया है कि अगर यूक्रेन क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है तो रूस क्यों नहीं करेगा। ब्रिगेडियर दत्ता, इस क्लस्टर बम के इस्तेमाल को क्या हम एक नॉर्मल गतिविधि माने इस वॉर की, या आपको लगता है कि नहीं, इस वॉर में ये नहीं होना चाहिए था, ये कुछ अलग हो गया? गौरव देखिए, दे से नथिंग इज यू सी इलीगल और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और जो वॉर एथिक्स हैं उनकी तो हमेशा से धज्जियां उड़ाई गई हैं। और कौन किसके खिलाफ कहाँ रिपोर्ट करेगा, रही बात क्लस्टर बॉम्ब्स की, क्योंकि ये बॉम्ब्स जब ड्रॉप किए जाते हैं तो इसमें से जो बॉम्बलेट्स हैं वो निकलते हैं, और जो ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं या जो कैजुअलिटीज हैं उनमें कोई लिम्ब्स का पे नुकसान पहुंचता है या जो शरीर है वो छत विच्छत हो जाता है। लेकिन यहाँ जो वॉर प्रिंसिपल्स हैं वहाँ फॉलो हो कर रहे हैं, कहाँ जो वॉर इथोस है उसको फॉलो किया जा रहा है? तो जैसा कि रूस कह रहा है कि साहब अमेरिका ने इनको क्लस्टर बॉम्ब्स दिए हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और रशिया भी करेगा, तो रशिया देखिए ये कहा जाता है युद्ध में कि जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पे जनरली अटैक नहीं किया जाता है, कोई कोलेटरल डैमेज हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ तो आप देखिए करीब 42 लाख से ज्यादा लोग तो पलायन कर चुके हैं।